सिर्फ मैं पहले आपको सलाम इसलिए करना चाहती हूँ कि उड़ीसा के 36 जगह से 36 अलग अलग जन आंदोलन जो अलग अलग किस्म के विचार में मानते हैं, सब एक साथ कवि, लेखक, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट सब एक साथ आए हुए हैं आज। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शायद आप में से बहुत लोग ये नहीं जानते हैं, पर पूरा दुनिया के आँखों अभी इस वक्त छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, लालगढ़ में है, उनका निगाह यहाँ है, क्योंकि कहीं भी नहीं चल रहा है दुनिया में इतना सुंदर, इतना बड़ा और इतना सफल आंदोलन। अब दुनिया के जो सबसे गरीब लोग हैं, सबसे जैसे हमारे देश में अब अफ्रीका के 26 देश को, अफ्रीका के सबसे गरीब 26 देश को मिला के जो गरीब लोग हैं, उससे ज़्यादा गरीब लोग भारत में हैं, और फिर भी ये लोग इस देश के सबसे बड़े कंपनियों को रोक रखा है अभी तक। तो इसके लिए मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बड़ा सलाम। 1986 में दो चीज़ हुए इंडिया में, दो ताले खुल गए थे, एक तो बाबरी मस्जिद का और एक बाजार का। और ये जो दो ताले खोले थे उसमें दो किस्म के फासीवादी निकला, एक तो सांप्रदायिक फासीवादी और एक अपना आर्थिक और ये कंपनी वालों का फासीवादी। और ये दोनों साथ साथ चले, एक कांग्रेस ले जा रहा था, और मतलब दोनों कांग्रेस के लिए एक ऊपर था एक नीचे था, मतलब कंपनी का फांसीवादी ऊपर और सांप्रदायिक फांसीवादी नीचे, और बीजेपी में उल्टा। लेकिन दोनों चला रहे थे, दोनों जैसे घोड़े चलाते ना। और इसका फ़ायदा क्या था? इसका फ़ायदा ये था कि जब ये कंपनी आ जाएंगे और जब गरीबों से ज़मीन छीनने का मौका आएगा, तब गरीब गरीब के साथ लड़ेंगे, दलित मुसलमान के साथ, ईसाई हिंदू के साथ, दलित आदिवासी के साथ। जैसे अब आप गुजरात जाएंगे तो मुसलमानों को सब एक एक छोटा सा, अंग्रेजी में घेटो कहते हैं ना, एक छोटा सा इलाका में उनको फंसा दिया है, और चारों तरफ दलित बस्ती है। तो लड़ाई जब होता है सिर्फ दलित और मुसलमान के, जब दोनों सबसे गरीब, इस देश के सबसे गरीब लोगों में से हैं। कुछ साल पहले एक नया कानून बना था पेशा करके, पंचायत एक्सटेंशन और शेड्यूल एरियाज एक्ट, वो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा संविधान का एक कानून है। उसमें साफ साफ कहता है कि आदिवासी का ज़मीन आप नहीं ले सकते हैं, कंपनी को नहीं दे सकते हैं। और जो संविधान का कानून तोड़ते हैं वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर, वो है हमारा होम मिनिस्टर, वो है हमारा पुलिस, वो है हमारा सीआरपी, बीएसएफ। और जो संविधान के कानून के लिए लड़ते हैं उनको कहते हैं आप आतंकवादी, जो माओवादी है, या जो बाहर के गांधीज है, या लोहियाइट्स है, या लेखक है। तो पूरा जो मामला है अब वो उल्टा हो गया, क्योंकि वो खुद कानून बनाते हैं और खुद उनका उल्लंघन करते हैं। इमरजेंसी क्यों बुलाया गया था, वो सब के पीछे क्या था? नक्सलवाद के पीछे क्या था, जेपी का आंदोलन के पीछे क्या था? सब के पीछे ज़मीन का मामला था। तब लोग क्या कह रहे थे? तब लोग कह रहे थे कि हमें गरीबों को, ज़मींदारों से ज़मीन लेके गरीबों को बांटो। नक्सलवाद के नक्सली लोग कहते थे कि गला काटो, ज़मीन बांटो। इंदिरा गांधी कहते थे कि गरीबी हटाओ। तब
तब 35 साल पहले कम से कम लोगों में एक सपना था बराबरी का, न्याय का। दलित लोग लड़ रहे थे, ब्लैक पैंथर्स का मूवमेंट था, एक सपना था न्याय का सपना। अब क्या हो गया? अब वो जो शब्द है न्याय, वो शब्द हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम सिर्फ मानव अधिकारी बोलते हैं, जिसमें जो न्याय इतना बड़ा था, मानव अधिकारी छोटी सी चीज़ है कि हमें पीटो मत, हमें जेल मत भेजो, ऐसा। क्योंकि जो ज़मीन बांट दिया गया अभी थोड़ा सा, वो भी वापस छीन के एससी जेड में दे दिया। आजकल जो लड़ाई है वो इसीलिए नहीं लड़ा जा रहा है कि गरीबों को ज़मीन दो। अब हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं कि गरीबों का जो बाकी रहा वो भी मत छीनो, जो आदिवासी लोग गांव में हैं उनको रहने दो। लालगढ़ में किस लिए लड़ रहे थे लोग, अभी उनको पूरा नक्सली बना दिया, पर 2 साल पहले जब आंदोलन शुरू हुआ लालगढ़ में किस लिए लड़ रहे थे? ना तो ज़मीन के लिए, ना तो विकास के लिए, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पुलिस ने आके हमारे औरतों पर बलात्कार किया, हमें मारा, पुलिस आके माफ़ी मांगो, वो भी करने के लिए तैयार नहीं था। उनको नक्सली बना दिया, उनको बैन कर दिया PCAPA को, पीपल्स कमिटी अगेंस्ट पुलिस अट्रॉसिटी। अब इस देश में क्या होगा? क्योंकि ये सही बात है कि उड़ीसा का लोगों के लोगों ने बहुत पहले गंधमर्धन का जो आंदोलन था वो सफल रहा था, बालकों के खिलाफ, अब नियमगिरी के खिलाफ अभी के लिए रोक रखा है। लांजीगढ़ का फैक्ट्री अभी भी है, उसका बॉक्स एक्ट तो कहीं और से आ रहा है। पॉस्को को अभी थोड़ी देर के लिए रोक रखा है, पोलावरम डैम में चर्चा चल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीत गए। अभी जो हो रहा है इस देश में, आगे क्या होगा इसका सोचना होगा हमें। चिदंबरम, मनमोहन सिंह, बाकी BJP का नेता सब कहते हैं कि देश का विकास तभी होगा जब इस देश का 80% का आबादी शहर में रहेंगे, गांव को छोड़ के। इसका मतलब है कि 5,000,000 लोगों को वो गांव से छोड़ के शहर में भेजना चाहते हैं। ये करने के लिए एक ही तरीका है कि वो सेना को बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे। ये हमारा देश एक मिलिट्री स्टेट बनेगा। अभी कंधमाल में और नारायणपटना में और छत्तीसगढ़ में तो बन ही चुका है, लालगढ़ में। और सिर्फ आदिवासी इलाकों का लड़ाई नहीं है ये, क्योंकि इस देश में इस वक्त 8,000,000 लोग एक दिन में 20 रुपया से कम कमाते हैं, ऐसा देश है हमारा। और इन 8,000,000 लोगों को अपने बीच में हिंदू मुसलमान या दलित आदिवासी या जो कुछ भी कह के लड़ा रहे लोगों को, तो आगे हमें क्या करना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए, ये बहुत एक अहम बात है सोचने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि एक किस्म का लड़ाई से हम नहीं जीत पाएंगे, जैसे कि एक किस्म का पेड़ नहीं होता है जंगल में, है ना, बहुत अलग अलग किस्म का लड़ाई होगा। और इसमें ये कहना कि सिर्फ अहिंसा से होगा या सिर्फ हिंसा से होगा, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। मुझे लगता है कि लोग तय करेंगे, हम नहीं बताएंगे उनको, लोग तय करेंगे कि वो कैसे लड़ना चाहते हैं और कैसे लड़ेंगे। बहुत 2-3 हफ्ते में छत्तीसगढ़ में जंगल में थी माओवादी का PLGA के साथ, उनका जो सेना है गुरिल्ला आर्मी के साथ, बहुत सारे बीच जंगल के गांव में गई थी जहां पे
लोग मुझे बता रहे थे कैसे आते हैं पुलिस, 800 के हिसाब में कभी आते हैं गांव को, वो रात भर चलते हैं गांव को, सुबह ढेर लेते हैं, आदमी को बुलाते हैं, घर जलाते हैं, औरतों को बलात्कार करते हैं। अब बीच जंगल के गांव में जब 800 पुलिस आते हैं तो लोगों को क्या करना चाहिए? जो भूखे हैं वो भूख हड़ताल तो नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर टीवी नहीं है वो अहिंसा का लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? ये हमारे लिए सवाल है। तो हमें लोगों को लेक्चर देने का अधिकार नहीं है कि उनको कैसे लड़ना चाहिए कैसे नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन हमारा काम ज़रूर ये है कि जगह में जाओ, देखो, पूरा जो मामला है उसको समझ लो, क्योंकि बाहर के जगह में, प्लेन्स में, जहाँ जंगल नहीं है, जहाँ पहाड़ नहीं है, जहाँ लोग हिंसा से लड़ेंगे तो उनको मार दिया जाएगा पुलिस, तो उनको अलग सोच में आना चाहिए। अंग्रेजी में मैं उसको कहती हूँ एक बायोडाइवर्सिटी ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का बहुत अलग अलग किस्म का, एक जंगल में अलग अलग जैसे पेड़ होते हैं ऐसे लड़ना पड़ेगा, लेकिन शहर में भी लड़ना पड़ेगा, दुनिया में भी लड़ना पड़ेगा। बाहर आजकल क्या हो गया है, हमारा जो लोकतंत्र हम कहते हैं उसको क्या हो गया है? जैसे मैं जब छोटी थी, एक बार मेरा जो मलयालम टीचर, मैं केरला की हूँ, और मेरा मलयालम टीचर के घर के बाहर एक सब्जी का बगीचा था, और उनका सारा गाजर हमने चोरी करके वापस ऊपर का भाग वापस डाल दिया, और वो 2-3 दिन के लिए पानी देता गया कि ये क्यों नहीं उग रहा। ऐसे ही हमारा लोकतंत्र हो गया, सब खोखला है और हम पानी देते जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मरते जा रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ रहा नहीं वहाँ। अभी आप कोर्ट को ले लो, बहुत चर्चा चल रहा है कोर्ट में, जितना करप्शन है कोर्ट में, जितना बड़ा जितना बड़ा डिसीशन है, बांध को बनाओ, स्टील प्लांट को लगाओ, इसको प्राइवेटाइज करो, या इतिहास का किताब में क्या होना चाहिए, ये बस्ती को निकालना चाहिए कि नहीं, सारा जो डिसीशन है वो कोर्ट लेता है। कुछ लोग, पार्लियामेंट का तो हमें पता ही है कि अगर आप लखपति नहीं है तो आप इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते हैं, अगर आपके पीछे कॉरपोरेट या कंपनी नहीं है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, और जो भी इलेक्शन लड़ते हैं वो 10% वोट लेके जीत जाते हैं। जो इस सरकार चला रहे अब, अगर आप उनका नंबर देखो तो 10% लोग इस देश का उनको वोट दिया है, और वो अपने आप को सोचते बहुत बड़ा मेजॉरिटी है, 10% से कम वोट है उनका, और सब के सब लखपति करोड़पति है, तो वो एक है। और फिर बाकी रहा हमारा मीडिया, आउटलुक मैगजीन, जिसमें मीडिया के सबसे बड़े लोग बरखा दत्त, वीर सांगवी, रतन टाटा, सबका फोन का टेप है, और ये लोग सब सरकार बनने में लगे हैं कि मिनिस्टर कौन होगा कौन नहीं होगा, तो मीडिया सरकार बनाते। इमरजेंसी में मीडिया सरकार के लिए खतरा था तो मीडिया को सेंसर किया गया था, और प्रोटेस्ट में मीडिया ये ब्लैंक एडिटोरियल निकालते थे, लेकिन अब मीडिया तो सरकार बन गया, और सरकार की तरफ से कितना झूठ बोलने लगे। जैसे आज जब मैं आई थी यहाँ पे, पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि 5 लोग थे बाहर, हम लोग अंदर 4,000, वहाँ 5 लोग थे, कैमरा के सामने थोड़ा कूदा और बोला कि अरुंधति गोबा, और पीटीआई ने अभी खबर छापी है कि बहुत बड़ा लाठी चार्ज हुआ था, 5 लोग घायल हो गए, और इसको बहुत बड़ी बात बनाया। पीटीआई जो है बार बार झूठ छापते हैं। बॉम्बे में मैं बोली थी, उसने बहुत बड़ा झूठ छापा, और फिर लोग आए थे मेरे घर में पत्थर फेंकने के लिए,
जी टी वी, टाइम्स नाउ, सब इसमें लगे हैं कि सरकार की तरफ से किसी न किसी तरह से झूठ छापो। तो जो बाहर के लोग हैं, जो लेखक हैं, जैसे सब है यहाँ पे मीडिया, उनके पीछे पड़े हैं। एक एक फांसीवाद अखबार है पायनियर करके हिंदुत्व का, उसका एडिटर चंदन मित्रा केरला गया था कल। और केरला, जैसे मैंने बोला कि मेरा 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 जगह है, और उसने वहाँ जाके बोला कि तुम लोगों को शर्म आना चाहिए कि तुम्हारे बीच में से एक लेखिका आया है जो आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है। मेरे ख्याल में शायद हमारा प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावरफुल तो टाइम्स ना हो गया। वो सब मतलब हाथ जोड़ के आते हैं टीवी स्टेशन में, साहब मुझे कुछ बोलने दो, एक मिनट तुम रखो, तुम बोलो, ऐसा होता है। तो अब यही हाल हो गया हमारा। तो इसी में तो मीडिया, सरकार और कंपनी में इतना फासला नहीं है, वो सब एक ही बन गया। और ऐसा वाला मीटिंग में, जैसे अभी ये मीटिंग होगा, शायद किसी के बारे में जितने लोग बोला, भगवान माझी ने बोला, दूसरा जो बोला जिनके बेटी अभी भी मतलब बलात्कार होके, जो जिसके साथ बलात्कार होता है वो जेल में है, जो बलात्कार करते वो बाहर है, यही देश हमारा, और उनका कोई खबर नहीं आएगा। ऐसे लड़ाई के बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि हम लोग सब अपने अपने जगह में, आप वकील हो या डॉक्टर हो या आदिवासी हो या किसान हो, जो भी है, हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम किस साइड में हैं, हम किस तरह का देश चाहते हैं। क्योंकि ये जो खदान बना रहे हैं वेदांता या पॉस्को या बेलारी या जहाँ पे भी है, उसका जो एक टन आयरन ओर या एक टन बॉक्साइट निकाल के सरकार को 27 रुपये देते हैं और खुद 5,000 रुपया कमाते हैं, और पूरा पूरा जगह को ख़त्म कर देते हैं, नदी को ख़त्म, खेत को ख़त्म, जंगल को ख़त्म, आदिवासी को ख़त्म, और इसको कहते हैं फ्री मार्केट। पाकिस्तान में बहुत साल से लोग मिलिट्री के नीचे रहे हैं, मिलिट्री डिक्टेटरशिप में, और वहाँ के लोग लड़ रहे हैं लोकतंत्र के लिए, और हम लोग जो है लोकतंत्र में रहा है, और हमारे बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं एक मिलिट्री स्टेट के लिए। हमारे मिडिल क्लास और अपर क्लास कहीं आसमान में बैठ के अपना देश बनाया है, और वहाँ से देख रहे हैं कि ये आदिवासी लोग हमारे पहाड़ में और हमारे नदी में क्यों बैठे हैं। हमारा है ये पानी, हमारा है ये लकड़ी, हमारा है ये बॉक्साइट, हम लोग उससे कैसे छीन सकते हैं। वो अपना एक अलग देश है, उनका अपना मीडिया है, उनका अपना सरकार है, उनका अपना सब कुछ है, और वो यहाँ से उनका एक भाषा भी नहीं रहा है दोनों के बीच में बात करने के लिए, बिल्कुल अलग हो गया। और जब से ये देश स्वतंत्र हो गए थे 1947 से, तब से लोगों के खिलाफ मिलिट्री और पुलिस से लड़ रहे हैं, नागालैंड में, मणिपुर में, असम में, मिजोरम में, कश्मीर में, तेलंगाना में, नक्सलबारी में, पंजाब में, गोवा में, जूनागढ़ में, जहाँ पे भी देखो मिलिट्री को बेचते हैं। प्रोट्रैक्टेड वॉर नक्सलियों का नहीं, हमारा सरकार का है। इनकलाब जिंदाबाद।